भाई तेरा चैलेंज थोड़ी है, मैं स्टार्ट करूंगा। 1, 2, 3, गो। अब देखते हैं भाई हन्नी क्या खरीद पाएगा। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी और ये शाम गाइज, आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हन्नी के साथ भाई शॉपिंग चैलेंज करो, तो भाई फाइनली आज हम करने वाले हन्नी के साथ खतरनाक शॉपिंग चैलेंज। बताओ शॉपिंग चैलेंज में कैसे भागेगा? ये तो बहुत तेज भागेगा भाई। मैं ट्रॉली के ऊपर चढ़ जाऊंगा। भाई मुझे लग रहा है हन्नी के साथ बैठ के ना प्लानिंग बना रहा है कुछ खतरनाक वाली। ये देखो भाई हन्नी भुक्कड़ आ चुका है, देखते हैं क्या ले पाएगा। 1 महीने का स्टॉक आज जमा करूंगा। इसको 10 मिनट मिलेंगे भाई, हमें बर्बाद नहीं होना। तो भाई हन्नी को देंगे सिर्फ 1 मिनट। मेरे साथ अन्याय हुआ है। 10 मिनट भाई, 10 मिनट में तो हन्नी स्टोर को ही लूट लेगा। वैसे स्टोर का बिल बन जाता है क्या? तो अभी हम ना साइंस के स्कूल के पास वाले मॉल जाने की प्लानिंग बना रहे हैं। ये देखो भाई पानी का बर्थडे का बैलून नीचे आ गया। 1, 2, 3 ओ फोड़ दिया ये देखो। तो भाई नीचे आते ही साइंस का सब्सक्राइबर आ गया। भाई टेनिस खेल के आ रहे हैं। चलो तो गाइस अभी जल्दी चलते हैं साइंस के स्कूल के पास वाले मॉल और वही खतरनाक शॉपिंग चैलेंज करते हैं। अरे यार तुम्हारा मोटा खर्चा करवा दूंगा। अगर तुमने 10 मिनट नहीं दिए तो न्यूज वाले बता देंगे भाई और बहनों इसको 10 मिनट नहीं दिए। भाई साइंस तो सोच रहा 10 मिनट मिल जाए और ये लूट ले स्टोर को। मैं पागल थोड़ी हूँ भाई, 10 मिनट दूंगा। फिर 5 मिनट कह रहे हैं। 1 मिनट बहुत ज्यादा है। नहीं 5 मिनट देख लो यार। चलो तो भाई वहीं चल के डिसाइड करेंगे। तो चलो चलते हैं। आहा, रानी जिंदगी में बहुत टेंशन है। उन दिया यार ने ना यो टसन कम है। दुश्मनी करी जीने एक दफा भी पर आया उनकी कबर में दफन कर। तो गाइस अभी आ चुके हैं साइंस के स्कूल के पास वाले मॉल। यहाँ के तो सारे पत्थर लोगों ने अंदर फेंक दिए। भाई साइंस जैसे शरारती लोग आते हैं वो सारे पत्थरों को ना अंदर फेंक जाते हैं, बहुत ही गलत बात है भाई। ये देखो भाई आते ही गाड़ी में बैठने लग गया। भाई चैलेंज कर ले पहले, नहीं तो मॉल बंद हो जाएगा। भाई यहाँ पे मस्त मस्त मछलियाँ लग रही थी कुछ दिन पहले, सारी हटकी, पता नहीं कौन चोरी करके ले गया। भाई मछलियाँ कहाँ गई? इतनी गर्मी सहन नहीं कर पाई वो। भाई लग रहा है जब गुड़गांव डूबा था ना उसमें तैर के चली गई सारी मछलियाँ। भाई रेडी लेने लग गए, इतनी शॉपिंग कर लोगे तुम 1 मिनट में? अरे पूरे महीने की आज ही शॉपिंग कर देंगे। ये कुछ नहीं, 5 देनी पड़ेंगी। आज तो भाई स्टोर में खतरनाक भीड़ हो रही है, हन्नी ज्यादा सामान नहीं ले पाएगा भाई। ये तो 5 मिनट का टाइम है लगा, ये तो 10 मिनट का। 10 मिनट में तो भाई मॉल को लूट लेंगे यार ये। 5 मिनट का लगाओ। चलो तो भाई हन्नी का चैलेंज बिगेन करते हैं। आज भाई ये ज्यादा खरीद नहीं पाएगा क्योंकि भाई मॉल में ना बहुत भीड़ हो रही है, पता नहीं रेडी कैसे ले जाएगा। अरे रेडी छोड़ जाऊंगा, ये खुद ही चला जाऊंगा। कार्ड छोड़ते डिस्क्वालीफाई, कार्ड उठा के ले जाऊंगा। रूल सुन ले, कोई भी चीज डबल नहीं लेनी और कार्ड नहीं छोड़नी। ठीक है समझ गया। और इसी रूल के खिलाफ 10 मिनट मिलेंगे भाई, मिनट तो एक ही मिलेगा, उसमें देखते भाई हन्नी क्या लूट पाता है। तो अभी फाइनली भाई टाइमर लगाते हैं, देखते हैं क्या ले पाता है। 1 मिनट में क्या आ रहा है, सारी पब्लिक यहीं आ गई। भाई तेरा चैलेंज थोड़ी है, मैं स्टार्ट करूंगा। 1, 2, 3 गो। अब देखते हैं भाई हन्नी क्या खरीद पाएगा। मुझे नहीं लग रहा कुछ खरीद पाएगा, मुझे पता था भाई चिप्स भरेगा ये। ओए 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 भाई भरे जा रहा है तो। भाई 1 मिनट खत्म होने वाला है। यहाँ कुछ भी नहीं, मेरे मतलब का बोर्नवीटा थोड़ी ना पीऊंगा भाई। हन्नी के तो 20 सेकंड तो खत्म ही हो गए। हन्नी हो गए, क्या जीतेगा तू? ओए भाई महंगी चीज ले रहा है तो न्यूट्रेला। ये देखो भाई 40 सेकंड और भाई कोल्ड ड्रिंक खरीदने लग रहा है। कंफ्यूज रियांश की तरह कंफ्यूज हो गया। भाई साइंस भाई क्यों ले रहा है भाई तू? खत्म चैलेंज खत्म। और भाई साइंस ने डाले आधी चीजें। भाई अन्नी क्या गुंडा बनेगा, 4 चीजें खरीद पाया बस। इतनी भीड़ में 1 मिनट में कहां जा पाता मैं भाई, चीजें भर भर के नहीं ले पाया। ये देखो टोटल इतना सामान लिया इसने, ये ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए का होगा, 500 का तो होगा ये। अरे यार असली माल तो छोड़ दिया, रियल जूस ले लेते भाई। चैलेंज ओवर, अब कुछ नहीं मिलने वाला। मैं ले सकता हूं, मेरा चैलेंज एक आइसक्रीम तो ले ही सकते हैं फिर भी, क्योंकि मेरे को 1 मिनट मिली थी। ये देखो भाई बेईमानी करने लग रहे हैं। साइंस को पता नहीं क्या रेडबुल बढ़िया लगती है। ये देखो रेडबुल ले रहा है, बच्चे नहीं पी सकते इसे। भाई पी सकते हैं यार। भाई स्टोर वालों ने लाइट ऑफ कर दी, बंद होने वाला स्टोर अब। एक आइसक्रीम तो भाई ले सकते हैं। बाकी भाई मैं सोच रहा था हन्नी स्टोर को लूट लेगा, मगर ये तो भाई रियांश से भी फुसट ही निकला। रियांश ने भी 10-12 चिप्स तो ले ली थी, उसको 10 मिनट मिले थे। वो 1 मिनट के हिसाब से एक चीज भी लेता ना तब भी उसके पास बहुत चिप्स हो जाती। ये देखो भाई आइसक्रीम के फ्रिज के आगे केसर पिस्ता ले लो भाई। भाई ये तो बिल बिठवाएंगे। शायद तो आगे स्टोर के गद्दों पे सो गया, इसे यहीं छोड़ जाते, रात को स्टोर में बंद कर देते हैं। नहीं यही साइबेरियन डांसिंग लेडी शॉपिंग करने आएगी, इसको ले लेगी। यहाँ के इनके टॉयज से खेलने लग गए। ये देखो शायद ओरियो, मैंने ओरियो वाली आइसक्रीम फाइनली ले ही ली। पब्लिक चॉकलेट ले लूं? भाई चैलेंज हन्नी का, पैसे बर्बाद ये कर रहा है। वाह हन्नी भाई चॉकलेट की सेक्शन में चल ली। जो इसके खरगोश जैसे 2 दांत बचे वो भी टूट जाएंगे। थप्पड़ खा के चलेगा, चलो एक बार चलो। ये देखो मना करने के बाद भी चॉकलेट वाले सेक्शन में आ रहा है। अरे यार ये करते हैं।
भाई हन्नी हरकतें कर रहा है, उसे जाने नहीं दे रहा वहाँ तक। ये देखो साइंस ने क्या लिया भाई, पॉपिंस भाई। मॉल में देखो कितना बड़ा जेम्स का पैकेट मिल रहा है, 22 वाले जेम्स के पैकेट के लिए कितनी ट्राई करी, हमारे वहाँ मिला ही नहीं भाई। आज तो इस मॉल में बहुत भीड़ है, बिल करवाने के लिए भी ट्रैफिक जैम, क्योंकि भाई मंथ का पहला वीक है ना, सारे घर का सामान खरीद रहे हैं। तो भाई फाइनली बिल करवा रहे हैं, अब देखते भाई हन्नी ने कितना लूटा। तो 500 का छू लिया था, सबसे महंगी चीज इसमें से है। सबसे महंगी चीज ये है, जितना इसका बिल बना था ना उससे आधे की चीज है। शायद भाई खुद दुकानदार बन रहा है। 1206 भाई, अन्नी तो बहुत सस्ते में निपट गया, 1206 बस। एक मिनट का है, 10 मिनट का होता तो फिर तो लूट जाते ही। फिर मैंने आज से यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया गाइस, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ गाइस, प्लीज आप 100 रुपए मेरे डिस्काउंट में डाल दिए। तो भाई अगर अन्नी का हिसाब लगाए ना तो इसने भाई 400-500 रुपए की चीज ली है बस, उससे ज्यादा तो साइंस ने खरीद ली आइसक्रीम। क्या गुंडा बनेगा रे तू। ये देखो भाई साइंस आ गया टॉयज की शॉप पे। ओह भाई खुद को ही मार लिया। 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग का। ये देखो भाई वे ब्लेड कितने मस्त मस्त हैं। ऐसे तो हन्नी के पास बहुत थे पहले, सारे गुम हो गए। तो भाई अभी मस्त शॉपिंग कर लिया और शायंस आके फिर से पत्थर फेंकने लग गया। भाई शायंस तो शायंस, हन्नी देखो इतना बड़ा हो गया फेंक रहा है। भाई किसी को कितना भी समझा लो मानता नहीं है। चलो तो गाइस अभी मस्त शॉपिंग कर लिया, सबसे फुसड्डी अभी तक था रियांश, और रियांश को भी बीट कर दिया हन्नी ने भाई। पर एक मिनट में इतनी सारी चीजें ले ली भाई, बेशक शायंस को एक मिनट मिलता शायंस इससे ज्यादा लूट लेता। चलो भाई अभी काफी लेट हो गए, अभी घर चलते हैं और दिखाते हैं हमने क्या क्या चीज मस्त लूटी। तो चलो गाइस चलते हैं। मर वाले मुके तैले के मडर पर लाना आंदा ना जखम पे मरम पर, गुंडे उन ताई चाले जो गमंड कर, जानकारी मारी देगी तने जंड कर। तो अभी सारा सामान ले आए घर। ये देखो भाई सारा बखेर दिया इन्होंने तो। ओए ओए अन्नी ने लूटना शुरू कर दिया पहले ही। भाई अन्नी नहीं छोड़ने वाला, पता नहीं कहाँ छुपा के रख देता सामान को। अंडरग्राउंड कर रहा हूँ मैं, मस्त ओरियो आइसक्रीम खाएंगे आज। और भाई साइंस की हरकत है देखो भाई, मना करने के बाद भी कोल्ड ड्रिंक ले आया, क्योंकि मुझे पीनी होती है। ये देखो भाई अन्नी पागल, पता नहीं क्या चीज ले आया, न्यूट्रेला की जगह क्या हर्ष ले पर्स ले आया, ये कड़वा और होता होगा। न्यूट्रेला मिला नहीं, अब एक मिनट में हड़बड़ाहट के चक्कर में कुछ भी ले आया। अन्नी ने सबसे ज्यादा पास्ता लूटे हैं, ये भी मैंने लूटे। जब भाई चैलेंज हो रहा था ना तो साइंस पता क्या कर रहा, उसकी टोकरी में जा जाके रख रहा। भाई तू बेईमानी करता हर बार, क्योंकि मुझे खाना है मेरी चीजें इसलिए रख दी। और अभी भी साइंस को टेंशन हो रही है, सुबह स्कूल में ना कौन सा पास्ता लेके जाऊं। भाई सबसे बढ़िया ये वाला ले जी। भाई मुझे तो ये वाली चिप्स सबसे मस्त लग रही है साइंस, ये खा के देखिए तूने कैसी होती है। मुझे लग रहा है जो लो चिप की छोटी बहन है, सौतेली बहन। तेरी मैम मारती नहीं अजीब सा खाना ले जाने पे। नहीं भाई, बहुत सारे स्कूल वाले ना जंक फूड नहीं ले जाने देते, साइंस के स्कूल वाले कुछ नहीं कहते। बस सैटरडे को, कल सैटरडे नहीं है इसलिए मैम से सॉरी मांग के खा जाऊंगा सारी चीजें। पापा जी यार हिंदी भी गुजरती है, इतना सही सामान लूट पाया है, बस उसको तो खाना ही आता है। भाई वैसे सच में ही रियांश भी उससे ज्यादा लूट के ले आया था। रात को ना हन्नी 1-1 बजे उठ के पास्ता खाता है। भाई हन्नी के साथ ना हमने गलत चैलेंज कर दिया, हमें उसके साथ शॉपिंग चैलेंज नहीं फूड ईटिंग चैलेंज करना चाहिए था। हाँ। और उसका चैलेंज पता किससे करवाते हैं, उन बंदों को बुलाते हैं जो यूँ कहते हैं ना कांडा। खुला चैलेंज है, गुड़गांव आ जाना राजी चौक। भाई खाने में ना हन्नी नहीं जीतने देने वाला किसी को भी, हन्नी से सिर्फ एक ही बंदा जीत सकता है, पता कौन? कौन? चिकन लेग पीस। भाई वो बहुत ज्यादा खाता है, जीत जाएगा उससे। हन्नी सही छीनता है इससे चीज, ये ना चुपचाप आगे ना खा लेता और हन्नी को देता नहीं है। ये देखो गाइस मेरे कुरकुरे खा लिए, सबसे पहले आइसक्रीम ही लेके भगाए हो। ये देखो भाई भुक्कड़ आइसक्रीम खाने लग रहा है। तो भाई चैलेंज में तो मस्त मजा आ गया, होप करता हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग भाई, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हन्नी फुसड्डी की तरह चैलेंज करके ना सब्सक्राइब कर देना। आज के नमस्ते जिंग सो फॉर वॉचिंग बाय। अरे क्या यार हन्नी इतना सारा सामान लेता है, बस तुझे तो खाना ही आता है।